Good morning, India. How are you? राजपूत काल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, चार पांच वीडियो हैं उसके, जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न आना तय है, ठीक है, प्रीलिम में। और अब हम लोग चोलों को भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही टाइम पीरियड चोलों का भी है दक्षिण भारत में। एक बार हम लोग चोलों को संगम काल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि संगम काल ईसा पूर्व का है, ठीक है, 250 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक का टाइम पीरियड, क्योंकि एविडेंस नहीं है तो हम लोग को ठीक ठीक टाइम पीरियड नहीं पता है। उस समय वीडियो में मैंने बोला था कि संगम काल यहाँ पर एंड हो रहा है, तो वहाँ पर जो चोल चेर पांड्य थे, वही चोल चेर पांड्य एक बार फिर से चर्चा में आएंगे। और बीच का जो इतिहास है, लगभग 500-600 साल तक जो हमें जानकारी नहीं मिलती है इनके बारे में, उसका एकमात्र कारण है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार का अभिलेख, सिक्के या इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो चोल चेर पांड्य की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने संगम काल में पढ़ी थी कि अशोक के अभिलेखों में इनका उल्लेख है, या कह लीजिए कि मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है, तो वो सब सेम चीज़ है, ठीक है, वही चोल है ये, बस क्या है बीच में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो चोल को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पहला चोल 850 पे बैठ रहा है, तो हम लोग चोलों का जो टाइम पीरियड है वो 800 से 1200 के बीच में ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 850 में मान लीजिए गद्दी पर बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे ठीक पहले जो इनके पूर्वज हैं वो गतिविधियों में लिप्त थे, ठीक है। तो आइए चोलों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। चोल पॉलिटिकल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और मतलब इस बार भी आएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं कि इस समय के जो चोल हैं उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो उनकी जानकारी के लिए सबसे पहले अगर हम लिटरेचर की बात करें तो पेरिय पुराण है, ठीक है, पेरिय पुराण आपसे मैचिंग में भी पूछ चुका है, चार चार बुक्स और राइटर की मैचिंग में। तो पेरिय पुराण किसका है? सेकिलार का, सेकिलार का पेरिय पुराण है। कलिंगत्व पर्णी किसका है? जय कोंडार का है, ये भी आपसे पूछ चुका है। दीपवंश, महावंश, ये बौद्ध ग्रंथ है जिनसे चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मणिमंगलम अभिलेख है जो राजाधिराज प्रथम का है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। धवलेश्वरम से हमें सिक्के मिलते हैं चोलों के, उससे हमें जानकारी मिलती है। चाउजू कुआ जो है ये चीनी यात्री है जो 1225 ईस्वी के आसपास भ्रमण पे था, तो इसने भी चोलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। तो ये तो हो गए जानकारी के स्रोत, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। पेरिय पुराण, कलिंगत्व पर्णी, दीपवंश, महावंश, मणिमंगलम अभिलेख, धवलेश्वरम और चाउजू कुआ, यहां से हमको चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, कोई सत्ता स्थापित कर रहा है चोलों की, तो उसका पहला राजा कौन है? विजयालय। अभी तक आपने बहुत टच करके चीजों को पढ़ा है, अब सिस्टम से चीजों को पढ़ लीजिए तो आपको याद भी रहेगी और एग्जाम में सही हो भी जाएगा। तो विजयालय जो है वो 850 से 871 ईस्वी के आसपास उनका शासन रहा है। और इनके समय की तीन चार अति महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो कौन सी हैं? तो ये पल्लवों के सामंत थे, पहली महत्वपूर्ण चीज। इसने पल्लवों से तंजौर छीन लिया, जैसे ही मौका मिला वैसे ही उसने तंजौर को छीन लिया, और धीरे से चोल साम्राज्य का जो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट था उसकी तरफ वो आगे बढ़ा। उसके बाद उसने नर केसरी की उपाधि ली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, बस एक सेकेंड होल्ड। नरकेसरी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। नरकेसरी की उपाधि आपसे पूछी भी जा सकती है इस बार, ठीक है। तो नरकेसरी की उपाधि किसने ली? विजयालय ने, पहला चोल राजा है। उसके बाद तंजौर में इसने दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी इसे कहा जाता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि 500-600 साल 700 साल का एक लंबा गैप चोलों के में हो गया, तो फिर उसके बाद सत्ता किसने स्थापित की? तो विजयालय ने। एक सरल क्वेश्चन तो यही बनता है आपके लिए, ठीक है। तो ये चार पांच छह इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको प्लीज बहुत ध्यान से चीजों को
सिस्टम से कोई चीज चल रही है तो मेरे ख्याल से उसे आपको निगलेक्ट या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो विजयालय गद्दी पर बैठे 850 से 871 तक, उसके बाद आदित्य प्रथम गद्दी पर बैठे 871 से 907 ईस्वी तक, ठीक है, आज से लगभग 1000 साल पहले का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्होंने अपराजित, पल्लव राजा था अपराजित, उसको मारकर चोल मंडलम को जीत लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चोल मंडलम आपको पता भी है कि कई बार परीक्षाओं में पहुंच चुका है, तो चोल मंडलम को किसने जीता था, तो आपके पास अब आंसर है आदित्य प्रथम ने। विजयालय के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आदित्य प्रथम। तो आदित्य प्रथम ने अपराजित, ये पल्लव राजा है, पल्लवों के सामंत थे ये लोग, तो पल्लव राजा अपराजित को मारकर चोल मंडलम को इसने जीत लिया। इस जीत के उपलक्ष में उसने कोडेंड राम की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? कोडेंड राम की उपाधि ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कावेरी तटों पर, कावेरी के दोनों तटों पर उसने शैव मंदिर बनवाए थे। ये चारों पॉइंट जो है, तीनों चारों पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। अपराजित को मारा, चोल मंडलम को जीता, कोडेंड राम की उपाधि ली और शैव मंदिर बनवाया। ये तीन चार पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है आदित्य प्रथम के लिए। उसके बाद परांतक प्रथम गद्दी पर बैठता है, जो 907 से 955 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। इसके लिए तीन चार पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परांतक प्रथम ने क्या किया? इसने वेलूर का युद्ध लड़ा। वेलूर का युद्ध इसने कब लड़ा? 915 ईस्वी में। किसके बीच हुआ वेलूर का युद्ध? चोलों और पांड्यों के बीच। एक क्वेश्चन ये बनता है कि वेलूर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चोलों और पांड्यों के बीच। आपको ऑप्शन देगा चोल पांड्य, चोल राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पांड्य, चोल लंका, ठीक है। तो याद रखिएगा चोल और पांड्यों के बीच वेलूर का युद्ध हुआ था। पांड्य राजा कौन है? राजसिंह है, ठीक है, पांड्य राजा राजसिंह है। और पांड्य राजा राजसिंह ने किसकी सहायता ली थी? श्रीलंका की सहायता ली थी। तो श्रीलंका की सहायता लेकर राजसिंह ने अटैक किया था चोलों पर, लेकिन बुरी तरह पराजित हुए थे। कौन? चोल, सॉरी पांडे बुरी तरह पराजित हुए थे इस युद्ध में, और चोलों की विजय हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल रहा है कि श्रीलंका पहली बार आ रहा है। इसका मतलब कि चोलों की राजनीति में श्रीलंका ने हस्तक्षेप किसके समय किया? तो हमारा आंसर क्या है? परांतक प्रथम। बहुत डीप और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मदुरा पर पूर्ण विजय करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस चोल राजा ने मदुरा, मदुरा पांड्य की राजधानी है भाई, तो मदुरा पर पूर्ण विजय किसने करी थी? परांतक प्रथम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मदुरै कोंड की इसने उपाधि ली, क्योंकि मदुरा को जीता तो मदुरै कोंड की उपाधि ली। घटनाओं को क्रम से याद रखेंगे तो भूलेंगे भी नहीं, मदुरै कोंड की उपाधि ली। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ, तक्कोलम का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आ चुका है। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ? चोलों और राष्ट्रकूट के बीच। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच है? चोलों और राष्ट्रकूट के बीच। राष्ट्रकूट राजा कौन है? कृष्ण तृतीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने किसकी सहायता ली थी? तो इसने गंगों की सहायता ली थी, गंग राजाओं की सहायता ली थी। तो गंग राजाओं की सहायता लेकर राष्ट्रकूटों ने, अब इसका परिणाम क्या रहा था? इसमें चोल जो है वो बुरी तरह पराजित हुए थे, इसमें परांतक प्रथम की हार हुई थी, और ये हार बहुत ही भयानक सिद्ध हुई। अभी आगे समझेंगे। तो इसमें चोल हार जाते हैं, राजपूत जीत जाते हैं। तो आपसे अगर पूछता है कि तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो चोल और राजपूत, राजपूत के बीच। और अगर आपसे पूछे वेलूर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो चोल और पांडवों के बीच। क्लियर है? उसके बाद नोट करके एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 955 के बाद लगभग 30 वर्षों तक चोल सत्ता अंधकार पूर्ण रही। इस युद्ध ने वाकई में चोलों की सत्ता को लगभग उखाड़ के फेंक दिया था, लेकिन 30 साल लग गए इन्हें फिर से अपने आप को खड़ा करने में। तो उसके बाद कौन महत्वपूर्ण राजा बना? राजराज प्रथम। चोलों का चोलों में जो भी बहुत अधिक प्रसिद्ध राजा हुए हैं उसमें से एक राजराज प्रथम है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका याद रखिए राजराज प्रथम का, कि इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है?
अरमोली वर्मन, अरमोली वर्मन ये राजराज प्रथम का वास्तविक नाम है, अरमोली वर्मन। इसकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था वानवन देवी, वानवन देवी माता का नाम था। अब इसने किसको किसको हराया? इन सबको इसने हराया है, ठीक है। बहुत ही योग्य राजा था, बहुत ही तेज तर्रार राजा था। तो इसने चेर राजा भास्कर वर्मन को हराया, पांड्य राजा अमर भुजंग को हराया, श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया, मालदीव की विजय करी और कलिंग की विजय की। इन विजयों को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। जब इसने चेरों को हराया तो कांडलूर शालैकल मारूत की उपाधि ली। चेरों को हराने के बाद फिर कौन सी उपाधि ली? कांडलूर शालैकल मारूत। और उसके बाद श्रीलंका को जब इसने हराया था तो अनुराधापुर, जो श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया और एक नई राजधानी वहां पर इसने क्रिएट करी। उस राजधानी का नाम उसने रखा जननाथ मंगलम, जननाथ की इसने उपाधि भी ली थी। इसकी अन्य उपाधियां देख लेते हैं क्योंकि उपाधियां इसकी इंपॉर्टेंट है। तो राजराज प्रथम को चोल नारायण कहा गया है, चोल मारतंड कहा गया है, मुम्मिनी चोल कहा गया है, शिवपाद शेखर कहा गया है, राज मारतंड कहा गया है, चोलेंद्र सिंह कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधियां हैं। इसके सिक्के श्रीलंका से भी हमें प्राप्त हैं, इसके सिक्के श्रीलंका से हमें प्राप्त हैं। और राज राजेश्वर मंदिर इसने बनवाया था। निर्माण कार्य को थोड़ा सा अभी हल्के में पढ़ लीजिए क्योंकि चोलों के समय कला साहित्य के विकास में हम उसकी चर्चा करेंगे कि किस राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है कि आप सोचेंगे कि हमने राजराज प्रथम पढ़ा दिया लेकिन राजराजेश्वर मंदिर की चर्चा नहीं गई, तो सिर्फ आपके लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ये फिर से आएगा आगे, ठीक है। तो ये चोलों का प्रारंभ है। बहुत तसल्ली से चीज़ों को समझते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट और शेयर करिए, ठीक है। लाइक कमा रहे हैं तो प्लीज़, ठीक है। जय।